है वेलकम एवरीवन। तो अभी हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन गोल्ड शॉट का, जो कि है 494। और ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉट है, क्योंकि देखो यहाँ पे योकर लेंथ हो तो आप इस तरीके से एक स्टेप दूर रह के खेल सकते हो। अभी देखना नेक्स्ट बॉल पे। वैसे शॉट बहुत ही बेहतरीन है, पहला स्ट्रेट योकर पे कनेक्ट करा था, अब हम यहाँ पर स्विंग योकर पे कनेक्ट करेंगे। तो देखो स्विंग योकर पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट बॉल है इसको हल्का सा आगे रखेंगे फुलर लेंथ पे, तो ये फुलर लेंथ पे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब इसके अगले गेंद पे हम स्विंग बॉल पे यहाँ पे फुल लेंथ रखते हैं, तो ये भी बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो चुका है। तो वैसे यहाँ पे इसके कनेक्शन रेट की बात करें ना, अगर सही पोजीशन ले सकते हो तो फास्ट पे किसी भी बॉल पे कनेक्ट हो सकता है। अभी देखो बाउंसर स्विंग था, स्विंग तो था बट बाउंसर की जैसे रखा था, तो उस पर भी मस्त कनेक्शन बन गया। अब यहाँ पे बटलर के सामने भी अच्छे से खेल सकते हो जब कोई इस तरीके के स्विंग बॉल करते हैं। वैसे बात करें अगर कटर की, तो एकदम वार्निंग वाला बाउंसर हो ना तब शायद मिस हो जाए। वैसे ये है वाइड योकर, तो वाइड योकर पे भी कनेक्ट होगा बट आपको पास जाना पड़ेगा। अब देखो इस वाले गेंद पे, अब ये गेंद बहुत बाउंसर है बट यहाँ पे भी कनेक्शन बन जाएगा। अब देखते हैं कि लेग स्पिनर के सामने क्या हाल है। अब पहला बॉल ये रखा है फ्लिपर के सामने मिस होगा। फ्लिपर और कैरम दो कनेक्ट नहीं होंगे, ऑफ स्पिन में कैरम कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे लेग स्पिन कनेक्ट हो जाएगा पर पोजीशन सही से करनी पड़ेगी, बहुत सही पोजीशन होनी चाहिए। देखो अगर इस तरीके से मिस कर दिया गेंद तो भाई विकेट जाना पक्का है, लिख के ले लो। स्टंपिंग तो होगा ही होगा, तो जो है वो ध्यान से खेलना है स्पिनर पे। अगर यहाँ पे फ्लिपर आ गया, गेंद मिस हो गई तो भाई जाएगा। और ये देखो लेग स्पिन पे फिर से बहुत ही बढ़िया कनेक्शन बना लिया, क्योंकि इस बार पोजीशन मस्त थी। वैसे गुगली पे भी कनेक्ट हो जाएगा, गुगली को भी ये गेंद छोड़ने नहीं वाला है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया कनेक्शन बनेंगे। अभी देखते हैं ऑफ स्पिनर के सामने क्या हाल है। पहला बॉल यहाँ पे, और ये देखो ये दूसरा बॉल थी और दूसरा पे बहुत ही मस्त कनेक्शन बन चुका है। अब नेक्स्ट कैरम करके देख लेते हैं, तो कैरम पे नहीं लगने वाला है। अब एक बार कैरम योकर करके देख लेते हैं, तो कैरम योकर पे भी कनेक्ट तो हो जाएगा, कैरम योकर भी कनेक्ट हो जाएगा बट गुड लेंथ पे थोड़ा, मतलब थोड़ा तो नहीं, मैं तो कहता हूँ रिस्क ही ना लो। स्पिनर के सामने शॉट इतना यूज़फुल नहीं है। अब देखो इतना दूर रख के अगर गेंद करते दूसरा तब भी कनेक्ट करेगा बट आपको बहुत ही पास जाना पड़ेगा, जो कि भाई पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है इतना पास जाके खेलना। अभी यहाँ पे मुझे तो पता है कि यहाँ पे गेंद आ रहा है इसलिए मैं जाके खेल पा रहा हूँ, बट अचानक से अगर कोई उस तरफ गेंद कर दे तो नहीं खेल पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ लेग साइड जो गेंद करते हैं उसी के लिए काम में आता है। अभी देखो फिर से यहाँ पे, वैसे ऑफ स्पिन पे भी कनेक्ट हो जाता है और आर्म बॉल पे भी कनेक्ट हो जाएगा, और हाँ टॉप स्पिन पे भी कनेक्ट हो जाएगा। बस फ्लिपर और कैरम दो को छोड़ के सब कनेक्ट हो गए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।